हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आज शो की शुरुआत सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को रिपब्लिक डे की विशेष देकर करते हैं। एंड व्हाई जस्ट अस, आर बी टाउन आल्सो सेलिब्रेट्स दिस डे विद यू। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। बी सेफ, बी डिसिप्लिन्ड, मेक आवर कंट्री बेटर। यस, हैप्पी रिपब्लिक डे। हंसाते रहो, लड़कियों को फंसाओ पर अच्छी तरह से, नेगेटिव चीजें मत करो। 26 जनवरी की जो महत्ता है वो तो हमारे पूरे देश के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण दिन है, जबकि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, अपने लिए खुद एक भाग्य लिखा, उसके विधाता बने और उसको भारत कहा गया। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 59th आइडिया फिल्मफेयर अवार्ड्स नाइट पर क्या रणवीर और रणबीर ने किया एक दूसरे को इग्नोर? कांची ने रेड कार्पेट पर जूम को एक्सक्लूसिवली बताया कि क्यों है आजकल उनका माइंड ऑफ। बताएंगे कि अब कौन से स्टार ने करवाना चाहा एसआरके और सलमान का पैचअप। एसआरके एंड सलमान इग्नोरिंग ईच अदर इज पास्ट, क्योंकि बॉलीवुड में आ गए हैं दो ऐसे स्टार्स जो बहुत जल्द ले सकते हैं इनकी जगह। 59th आइडिया फिल्मफेयर अवार्ड्स में दो ऐसे स्टार्स हुए कैप्चर जिन्होंने एक दूसरे को इग्नोर करने की कोशिश की। कौन थे ये, आइए जानते हैं आज की हमारी टॉप स्टोरी में। 59th आइडिया फिल्मफेयर अवार्ड सेरेमनी इस बार कुछ खट्टी मीठी यादें लेकर आई। एक्टर रणवीर सिंह के लिए ये साल जितना मीठा रहा, वहीं 59th आइडिया फिल्मफेयर अवार्ड नाइट उनके लिए कुछ खटास से भरी भी रही। इस साल क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म लुटेरा और 100 क्रोर क्लब में एंट्री कर चुकी रामलीला की वजह से रणवीर सिंह 59th आइडिया फिल्मफेयर अवार्ड नाइट की शान थे, लेकिन अपेरेंटली रणबीर कपूर ने उनके मूड को थोड़ा सा अपसेट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक कहानी की शुरुआत हुई ग्रीन रूम एपिसोड से, वेयर रणवीर सिंह ट्राई टू अवॉइड रणबीर कपूर। रणवीर सिंह चोज टू चेंज हिज ड्रेस इन प्रियंकास ग्रीन रूम व्हिच वाज राइट नेक्स्ट टू रणबीर कपूर्स ग्रीन रूम। सूत्रों की माने तो रणवीर इवन ट्राई टू चेंज पाथ्स व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द ग्रीन रूम। तो जहां रणवीर ने चूज किया प्रियंका का ग्रीन रूम इंस्टेड ऑफ रणबीर, वहीं रणबीर कपूर ने सेरेमनी को होस्ट करते हुए मजाक मजाक में कहा कि रामलीला पहले उनको ऑफर की गई थी, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को नाम की कंफ्यूजन हो गई, इसलिए रणबीर की जगह रणवीर को ये फिल्म मिल गई। व्हाइल द प्रेजेंट ऑडियंस ओवर देयर डेफिनेटली गॉट अम्यूज्ड विद रणबीर्स कमेंट, बट रणवीर टुक इट अदरवाइज। द सोर्सेस एड दैट रणबीर एज अ पार्ट ऑफ हिज होस्टिंग एक्ट इनएक्टेड रणवीर सिंह राम एक्ट इन हिज फनी स्पूफ ऑफ रामलीला। दिस मेड दीपिका लाफ सो हार्ड दैट शी हैड टियर्स इन हर आईज। अब भला ये सब देख के रणवीर को अच्छा कैसे लगने वाला था? आखिर कौन चाहेगा दैट इन द प्रेजेंस ऑफ हिज अलेज्ड प्रेजेंट गर्लफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड इज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ हिम एंड एडिंग इंसल्ट टू इंजरी वाज व्हेन रणवीर ने दीपिका को रणवीर के जोक पर हंसते हुए देखा। सो शुड वी से दैट द 59th आइडिया फिल्मफेयर अवार्ड हैज गिवन बर्थ टू अ न्यू टसल इन बॉलीवुड बिटवीन द अलेज्ड प्रेजेंट एंड पास्ट बॉयफ्रेंड। नाउ विल रणवीर सिंह टेक दिस एज अ जोक, वो भी ऐसे मौके पर जबकि शोहरत और लेडी लक दोनों उनके करीब है, या फिर रणवीर के इस मजाक को दिल पर लगा लेंगे रणवीर, क्योंकि फिल्मफेयर अवार्ड्स नाइट के एंकर्स का एक दस्तूर रहा है मजाक और रियलिटी को एक साथ जोड़ने का और फिर उस पर मजाक बनाने का। फॉर कुणाल मांडेकर, चेतना सिंह एंड सलमा खान, जूम मुंबई। काजल अजय देवगन और यशराज स्टूडियोज के बीच छिड़ा टसल लगता है फाइनली मेल्ट डाउन होने लगा है, क्योंकि फिल्मफेयर के रेड कार्पेट पर हमें दिखी काजोल वॉकिंग डाउन एंड फाइनली शी स्टेप्ड इन द YRF प्रीमाइसेस। आइडिया फिल्म फेयर का ये रेड कार्पेट सजा है बी टाउन सेलेब्स के लिए और यहाँ दिखी हमें काजोल भी। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट्स सो यूनिक अबाउट दैट, तो हम आपको बता दें कि यूनिकनेस है इस प्रीमाइसेस में जहाँ चलकर आई काजोल।
द एस्टीम्ड अवार्ड टुक प्लेस इन द यशराज स्टूडियोज, जिनके साथ काजोल और देवगन फैमिली की टिफ की चर्चा आम हो गई है। आपको बता दें कि रिलीज डेट और स्क्रीन की कॉन्ट्रोवर्सी पर यशराज और अजय देवगन के बीच छिड़ी हुई जंग काजोल तक पहुंची। व्हेन यशराज बैनर डिडंट इनवाइट काजोल फॉर द ग्रैंड प्रीमियर ऑफ जब तक है जा, जहां बॉलीवुड का हर एक सेलेब हुआ था शामिल। इसके बाद काफी न्यूज आई दैट काजोल इज क्वाइट हर्ट एंड शी डिडंट वांट टू रियली विजिट द स्टूडियोज। लेकिन 59th आइडिया फिल्म फेयर के इस ग्रैंड अवार्ड्स नाइट पर काजोल फाइनली एंटर द यशराज प्रमाइसेस। सोर्सेस की माने तो इसका मेजर रीजन ये था कि काजोल की मम्मी डियर तनुजा जी को मिल रहा था लाइफ अचीवमेंट अवार्ड एंड दैट्स द रीजन काजोल हैड टू अटेंड द इवेंट। अब इसके बाद भी काजोल और यशराज के रिलेशन सुधर जाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक अवार्ड नाइट पर आई कार्की ने कहा कि उनका दिमाग है ऑफ और साथ ही एक टॉपिक पर बात करने से कर दिया सख्त मना। क्या है वो टॉपिक, आइए जानते हैं हमारी अगली स्टोरी में। किस बात पर कार्की हो रही है फ्रस्ट्रेटेड? क्या फ्रस्ट्रेशन था जो बात करूंगी इसके बारे में बार बार, सॉरी। क्या है वो बात जिसका जवाब नहीं देना चाहती हैं काल्की? वेल, ये बात और कोई नहीं बल्कि है उनके मैरिज लाइफ में आई हलचल के ऊपर। 59th आइडिया फिल्म फेयर के रेड कार्पेट पर सुपर प्रिटी लग रही काल्की से जूम ने की एक एक्सक्लूसिव मुलाकात और इस बातचीत के दौरान हमने काल्की को पाया थोड़ा सा लॉस्ट। टेक वन, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या? टेक टू, टेक थ्री, and finally, yeah, I'm sorry, I'm my brain is not on today. जी हाँ, काल्की का दिमाग सो रहा है और उनके ऐसे रिएक्शन से हमें भी लगता है that she's sleepwalking on this red carpet. लेकिन जब सवाल आया हुमा कुरेशी और उनके हबी अनुराग कश्यप के ऊपर तो बड़ी sternly काल्की ने जवाब देने से कर दिया इनकार। क्या फ्रस्ट्रेशन था जो बात करूंगी इसके बारे में बार बार, सॉरी। वेल काल्की, आपने कुछ ही दिन पहले सोशल नेटवर्किंग साइट पर हुमा के डिफेंस में बातें की थी एंड दैट्स व्हाई वी थॉट कि आप ऑन कैमरा भी अपने फैंस और वेल विशर्स को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगी। दैट्स द रीजन वी आस्क्ड यू। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। वेल, 59th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट की परफॉर्मेंसेस की झलक तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की एक मजेदार गॉसिप का अपडेट ले लीजिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट में। 59th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी की नाइट देखने को मिले एक से बढ़कर एक डार्सलिंग परफॉर्मेंसेज, बट व्हेन इट कम्स टू रणवीर सिंह, हिज परफॉर्मेंसेज आर आईड बाय एवरीवन एंड दिस वन वाज टू वेट फॉर। रणवीर सिंह खुद जितने एनर्जेटिक हैं, उनकी स्टेज परफॉर्मेंसेज में भी उतनी ही एनर्जी झलकती है। 59th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड नाइट के मौके पर रणवीर सिंह ने अपने परफॉर्मेंस से ऐसी आग लगाई कि लिटरली स्टेज पर आग ही लग गई। वेल यस, व्हाइल रणवीर सिंह वाज परफॉर्मिंग, उनके पीछे हो रहे इस फायरवर्क की वजह से एक कर्टन में आग लग गई। ऑल्दो इट वाज नॉट अ मेजर वन, बट हमारे विटी होस्ट रणबीर कपूर ने जरूर इस इंसिडेंस के ऊपर चुटकी ले ली। रणबीर ने टंग इन चीक ह्यूमर सेट कि रणवीर की परफॉर्मेंस इतनी हॉट थी कि उन्होंने स्टेज पर आग ही लगा दी। अब ये तारीफ रणबीर की सच में है या फिर एज अ होस्ट वो एक बार फिर रणवीर की लेग पुलिंग कर रहे थे या फिर ये था एक सार्कास्टिक कमेंट? वेल, वी डोंट नो, बट द मैन हु हैड एवरीथिंग इन हिज फेवर इन द ईयर 2013 परफॉर्म लाइक अ सुपरस्टार और इनकी परफॉर्मेंस की दीवानगी से द एंटायर प्लेस गॉट इरप्टेड। स्टेज को आग लग गई, आई हर्ड मेरे एक्ट के बाद। अलोंग विद दिस, रणवीर ने जब अपनी फिल्म रामलीला के हिट नंबर ततर ततर पर परफॉर्म किया तो मौजूद सभी स्टार्स को अपनी सिग्नेचर स्टेप के लिए अपने साथ जोड़ लिया। फॉर कुणाल मांडेकर, चेतना सिंह एंड सलमा खान, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। पूरा बॉलीवुड लगा है सलमान एसआरके के पैचअप में और अब तो लगता है एसआरके और सलमान खुद भी तंग आकर करना चाहते हैं पैचअप। लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट पर एक और स्टार ने करी इन टॉप खान्स के बीच पैचअप कराने की कोशिश, कैसे? लेट्स फाइंड आउट। दोस्ती होती है जब गले लोग मिलते हैं तो अच्छी बात है, तो मुझे खुशी होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। आमिर ने की सलमान और एसआरके को साथ लाने की बहुत कोशिश, पूरे बॉलीवुड ने चाहा कि आए ये दोनों खान साथ।
और अब एक और स्टार है जो 59th आइडिया फिल्मफेयर अवार्ड्स नाइट पर दिखा गया एक ऐसा एक्ट जहां उन्होंने अपने इस परफॉर्मेंस के थ्रू करना चाहा कन्विंस एसआरके एंड सलमान को टू कम टुगेदर। जी हाँ, ये स्टार हैं रणवीर सिंह, जिनके अवार्ड शो पर परफॉर्मेंस के बहुत चर्चे हो रहे हैं आजकल। 59th आर्या फिल्मफेयर अवार्ड नाइट पर रणवीर सिंह ने किया एक एक्ट जहां उन्होंने सलमान और एसआरके के डुप्लीकेट्स यूज करके इन दोनों खान्स को साथ लाया और एक्ट खत्म होते होते ये मैसेज दिया कि क्या हो अगर ये दोनों खान्स एक साथ फिल्म कर लें तो बॉक्स ऑफिस कितने करोड़ का फिगर दिखाएगा। रणवीर तो रणवीर, सलमान खान और एसआरके खुद आजकल एक दूसरे को एम्ब्रेस करने में लगे हुए हैं। इन दोनों स्टार्स के एक और अवार्ड्स नाइट पर हग करने की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई ही थी। रिसेंटली सलमान खान ने भी शेक करी अपनी बॉडी ऑन एसआरके's फेमस सॉन्ग लुंगी डांस विद यो यो हनी सिंह। ये परफॉर्मेंस दिया सलमान ने CCL की ओपनिंग सेरेमनी पर। यानी सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, एसआरके सलमान खुद आजकल पीस मेकिंग पाथ पर चलते दिख रहे हैं। चेतना सिंह, जूम मुंबई। Time to show you special report. मेरे साथ इस वक्त बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही talented अमृता राव। अमृता, welcome to Zoom. It's my pleasure. 59th आइडिया फिल्मफेयर अवार्ड, इसकी सबसे खास बात आपके आपके लिए क्या रहती है? I think फिल्मफेयर ही खास रात होती है हमारे लिए। To be a part of फिल्मफेयर is a big deal. It's a big honor for me. बहुत अच्छा लगता है, बहुत prestigious award है ये, and it is total celebration in the air. What a lovely evening. अमृत, ये बताइए कि बहुत सारे कैटेगरीज हैं, आप किस एक पर्टिकुलर एक्टर के लिए, एक्ट्रेस के लिए एक्साइटेड हैं आज, उसके लिए अवार्ड मिली क्या है? हैंड्स डाउन फरहान अख्तर, मतलब वो भागने वाले हैं स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए। आई कैन सी इट, आई कैन सी हिम रनिंग इन स्लो मोशन। और ऑफ कोर्स सौरभ शुक्ला, बिकॉज इन जॉली LLB आई थिंक ही वाज द जेम, ही वाज द ज्वेल ऑफ जॉली LLB, सो ही इज डेफिनेटली विनिंग एन अवार्ड। रणबीर एंड प्रियंका होस्ट कर रहे हैं, आई एम श्योर दैट दे विल डू अ ग्रेट जॉब। लेकिन अगर आपके जहन में बॉलीवुड से दो ऐसे स्टार्स जिनको होस्ट करना हो फिल्म फेयर, जो जिसमें आप अपना नाम नहीं ले सकती और उन दोनों का नाम नहीं ले सकती, तो वो दो एक्ट्रेस कौन होंगे? वेल, मैं तो चाहूँगी कि किशोर कुमार और मधुबाला होस्ट करें, पर ऐसा हो नहीं सकता। जीवित व्यक्तियों की बात करें तो ऑफकोर्स रणवीर सिंह एंड द एंड अर्जुन कपूर, आई थिंक या कई सारी फिल्में आई, उन फिल्मों के मैं नाम लूंगा और आपको आपके जहन में उस नाम से जुड़ा हुआ एक्टर जो आता है वो बताना है, लेकिन वो एक्टर इस फिल्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए और वो एक्टर अमृता राव नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इस साल का मिल्खा कौन था? इस साल का मिल्खा कौन था? यो, मतलब एक्टर ही होना चाहिए, ओके। आई थिंक इस साल का मिल्खी थी, शी वॉज दीपिका आई थिंक, बिकॉज शी इज रनिंग सक्सेस दीज डेज। लुटेरा शाहरुख खान। रांझना आमिर खान रांझना क्यों? मे बी सलमान खान, मे बी बॉस, द बॉस ऑफ बॉलीवुड, बॉस ऑफ बॉलीवुड। Let's go for a director. Why always actors? Boss of Bollywood, I think Sanjay Leela Bansali. जी अमृता, ये ब्लैक लेडी अगर आपके घर पर जो भी रखी होंगी, अगर ये ब्लैक लेडी किसी शख्स में, किसी हीरो में तब्दील हो जाए, तो वो हीरो कौन होगा? Oh my God, आप ऐसे, अब ऐसे सोच, ऐसे ख्याल भी कैसे आते हैं आपके मन में? अभी तो और ऐसे और ख्याल आने वाले हैं आप जो सुनेंगे। ब्लैक लेडी टर्न्स इनटू अ मैन, या अ हीरो। मैम, मैं तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा नाम ले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना? मेरा भी नाम नहीं ले सकती है। आप हीरो नहीं है ना, आप मेरी सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला, या हाउ अबाउट दैट, ब्लैक लेडी टर्निंग इनटू सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला, या दैट्स अ ग्रेट आंसर। ये थीम है फ्यूचर की, फ्यूचर में 3D का क्रेज आने वाला है, 3D में अक्सर जो एक्टर्स और कैरेक्टर्स होते हैं आपके काफ़ी करीब आ जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा कौन सा एक्टर जिसे आप 3D में नहीं देखना चाहेंगे? जॉनी लीवर, ओके। और 3D से आगे 4D भी है, जिसमें द एक्टर इज ऑल ओवर यू, और आप वो कौन सा एक्टर जिसको आप 4D में देखेंगी और अपनी नज़रें गड़ा कर देखेंगी? 4D देगा वो एक्टर, कौन होगा ये? मे बी ऋतिक रोशन, मे बी ऋतिक रोशन। एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट? चाहते उनको देख के ऐसे लगता है कि उनको, मतलब हर एंगल से आप और करीब से देखा। ओके, आई एम हैड इट। अमिता, थैंक्स अ लॉट, वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। And now it's time for some exclusive gupshup with stars on the red carpet of 59th Idea Filmfare Awards night. Listen up. मैं साथ में है तनुजा जी, जिनको आज फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिलने जा रहा है। वेलकम टू जूम। थैंक यू। थैंक यू। कुछ क्या कहना चाहेंगे इस लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड से नवाजा जा रहा है आप? जी बहुत बहुत ही कुछ अजीब सा लग रहा है कि इतने सालों के बाद जो भी मैंने इंडस्ट्री को दिया वो आज मेरा मुझे अक्नॉलेज कर रहे हैं, तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ उनको कि उन्होंने ऐसा किया। एंड तनिषा, यू लुकिंग वेरी प्रिटी, किसने डिज़ाइन किया आपके लिए पूरा? टुनाइट आई एम वेयरिंग फाल्गुनी एंड शेन पीकॉक एंड आई एम फीलिंग ब्यूटीफुल। टेल अस, बहुत सारे नॉमिनेशन हैं, तो किसको आप विच इज़ योर फेवरेट? डोंट पुट मी ऑन द स्पॉट, दे आर ऑल माई फेवरेट्स। मुझे लगता है कि जब भी फिल्मफेयर में नॉमिनेशन होता है तो डेफिनेटली कुछ अलग कुछ स्पेशल होना चाहिए फिल्म में, एंड आई थिंक वी आर ऑल गोना बी फैब एंड इट्स गोना बी अ टफ टफ चॉइस हू इज गोना विन। मैम, आपके लिए बेस्ट फिल्म कौन सी रही आपको ऐसा लगता है जो फिल्म आपने देखी? बिल्कुल, मुझे मैं नीचे गाड़ी में बैठी रहती हूँ और मैं वेट करती हूँ कि हाँ तनिषा आएगी, तनिषा आएगी, तनिषा आएगी, तो या टाइम पे होती हूँ तो कोई नहीं देखता है because it's so rare and you looking beautiful. aap kisne design kiya aaj aapke liye? I think this is Nandita Mehtani's dress and mom ko lifetime achievement mil raha hai, do aapki talented gorgeous betiya bhi saath mein hai, to it feels special. Kajol, bilkul, it feels lovely, it's wonderful and I think unhone kafi lifetimes ek lifetime mein you know ghuseed diya hai so I think she definitely deserves an award. Only for raising us, she deserves an award. हमें बड़ा करने के लिए definitely award मिलना चाहिए। Thanks so much हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन हरी के साथ सलमान खान, Zoom Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर Bollywood की और भी latest news and gossip. Till then, keep watching Zoom India's number one Bollywood channel.